परम शांति। अभी बेहद के बच्चों को जो पुरुषार्थ करना है, वो हमेशा से ही कह रहा हूँ कि आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करना है, वो भी कर्म योगी जीवन बनाकर। दिनचर्या जो जैसे बना सकते हैं, तो बच्चे अब ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, तो आत्मा की पावर बढ़ेगी, तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो मन विषय विकारों में नहीं जाएगा। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा, मगर त्रिलोकीनाथ इंद्र भी विषय विकार में फंसा होता है। पूरा ब्रह्मांड के ब्रह्मापुरी में जाओ तो ब्रह्मापुरी में भी डांस होता है। जो मार्कंड पुराण में पढ़ोगे तो मार्कंड ऋषि भी ब्रह्मापुरी में जो डांस हो रहा था वो देख रहा था। यहाँ धरती पर मनुष्य बैठकर ऊपर का दुनिया देख रहा था मनुष्य, मार्कंड ऋषि भी ब्रह्मापुरी में जो डांस हो रहा था वो देख रहा था। इंद्र को बोलता है तेरे तेरे इंद्र की जो अप्सराएं हैं ना, वहाँ तो ब्रह्मापुरी की जो दासियां हैं ना, वो तेरे इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये धरती पर ऋषियों का यार था, मार्कंड पुराण में मार्कंड ऋषि का यार था। तो ये जो इसलिए तो ये ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते, ब्रह्मापुरी से आगे जाना मुश्किल होता है, इसलिए तुम्हें बेहद में जाना है। बेहद की आत्माओं को बेहद का प्रसाद क्या है? केवल गीता में भी यही कहा था, देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें उच्च से उच्च परम धाम ले जाऊंगा। अगर तुम पहले सब्जेक्ट तो ज्ञान है, ज्ञान क्लियर करो, ज्ञान हमेशा ज्ञान की वीडियो बजाते रहो, सुनते रहो और योग करो, ज्ञान और योग दोनों साथ करो, क्योंकि अकेले योग नहीं कर पाओगे, इसलिए ज्ञान की वीडियो साथ में रखो। ज्ञान सब्जेक्ट जितना आएगा, ज्ञान की गहराई जितनी समझ में आएगी, ये बेहद का ज्ञान है। पहले बेहद के विश्व का परिवर्तन का ज्ञान, बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो समझो पहले। बेहद की कलाओं तक की बुद्धि जानी चाहिए, बुद्धि बेहद की कला तक बुद्धि से ले जाओ, बुद्धि से सोचो कि हमें बेहद की कला तक जाना है, कम से कम बेहद की कला तक जाने का लक्ष्य रखो, तो 108 में आने का भी लक्ष्य रखो, भले पुरुषार्थ ज्ञान योग सेवा धारणा। अगर 108 में थोड़ा नहीं आ पाओगे तो 1008 में तो आ ही जाओ, बाकी तो पुरुषार्थ तो तेज लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण आ जाएंगे। आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करो और कर्मयोगी जीवन बिताओ, हर कर्म करते करते लक्ष्य याद रहे, बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहो, बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम को याद करो। याद वहां करना है जहां आप जाना है। देखो प्यार, प्यार एक आत्माओं का प्यार होता है, आत्मिक प्यार होता है, एक देह का प्यार होता है। ब्रह्मांड में जो भी प्यार होता है, ब्रह्मापुरी से नीचे का जो भी प्यार है, वो सब देहभान वाला प्यार है। चाहे तीन तत्वों तो का जहाँ डांस होता रहता है, वो देहभान वाला प्यार होता है। ब्रह्मापुरी में भी डांस होता रहता था, तो जहाँ भी देह का डांस है, देहभान वाला, मतलब तीन तत्वों में भी देहभान है ना, तीन तत्वों वाला शरीर है, ये पांच तत्वों वाला शरीर, मनुष्य पांच तत्वों वाला शरीर है। ब्रह्मापुरी में या इंद्रपुरी में, इंद्रलोक में तीन तत्वों का शरीर था, तो तीन तत्वों का शरीर का भी देहभान होता है। तो जहाँ देहभान है, इसलिए आत्मा को एकदम आत्मस्वरूप निराकार स्टेज बना, आत्मा की निराकार स्टेज बनेगी तो आत्मा एकदम परम लाइट निराकार स्टेज बना। तो निराकार स्टेज बनते ही बुद्धि धीरे धीरे निराकार में चली जाएगी, मन का मौन जैसी हालत हो जाएगी, और देह के संबंध से न्यारे और प्यारे हो जाओगे। सभी को ये समझाओ कि हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो बताओ कि भाई हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। कोई हमारे कार्य को तो कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान है गुप्त, कार्य है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मत बस सब है गुप्त, हमारा गुप्त वेश में कार्य हो रहा है। और जब 108 मिल जाएंगे तो 108 मिलते ही काम संपन्न हो जाएगा, फिर तो एकदम संपन्न हो जाएगा। जब तक 108 को ढूंढना है तो ज्ञान तो यूट्यूब में डाला हुआ है, जो सुन के ज्ञानी 108 की निशानियां भी दिया है, ज्ञान योग सेवा धारणा है, चारों सब्जेक्ट में कम से कम फर्स्ट क्लास होगा, जो अष्ट रत्न होगा वो पास विथ ऑनर होगा, ज्ञान में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा।
और 108 से ऊपर भी हैं, विशेष आत्माएं हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं, 108 से भी ऊपर है, विशेष विशेष पुरुष और कुछ विशेष प्रकृतियां। तो ये सब आगे चलकर सब जानोगे। अभी आत्मस्वरूप में बनकर अपने घर का वायुमंडल चेंज करो, क्योंकि देश और दुनिया का तो अभी परिवर्तन धीरे धीरे होगा। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, घर को परम शांति से भरो, खुद परम शांति में रहो। चारों ओर तो नेगेटिविटी इतनी फैली है कि जहाँ भी जाओगे नेगेटिविटी मिलेगी, इसलिए पहले अपने ओरा को सील करके हमेशा रखो। और प्यार, देहभान वाला प्यार छोड़ दो, आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार, जिन्हों को वाणियों बोला है आत्मिक प्यार, आत्मा का प्यार, सबके अंदर आत्मा को देखो, देह को न देखो, सबको ये समझो आत्मा है। कोई कमजोर आत्मा है, कोई कमजोर आत्मा, उसे कर्म बंधन है, तो योग बल से कर्म बंधन को तोड़ो। सबसे लौकिक अलौकिक बैलेंस रखो, बहुत ज़्यादा टू मच में लौकिक में नहीं जाना है, हो सके इतना लौकिक बैलेंस धीरे धीरे कम करते जाओ, अलौकिक बैलेंस धीरे धीरे, निराकार स्टेज बनाओ आप, निराकार स्टेज, एक आत्मा को देखो, आत्मस्वरूप बनो, बस आत्मस्वरूप देखते देखते साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहो। परम शांति के वाइब्रेशन फैलते फैलते परम प्यार करो सबको, आत्मा को देखो, आत्मिक प्यार करो, आत्मा का प्यार देखो। ऊपर में भी, ऊपर के ब्रह्मांडों में भी प्यार होता है, मगर आत्माओं का प्यार होता है वहाँ, ऐसा देह नहीं होगा। परम लाइट का, परम लाइट की प्यार होता है, परम लाइट के प्यार में मोह ये सब नहीं होता, नष्ट मोह होते हैं परम, वहाँ परम दुनिया में नष्ट मोह होता है, एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता किसी का। वहाँ आत्मा की पहचान होती है, आत्मा की कितनी कला का पावर है वो सब ऊपर में देखते हैं कि कितनी कला का पावर है उनके पास, जितनी कला का पावर आत्मा में होता है इतना सब आत्मा की पावर को देखते हैं, वहाँ देह को नहीं देखते। वहाँ परम लाइट की बॉडी होती है तो भी देह के आकर्षण नहीं होते, वहाँ भी घूमते फिरते रहते हैं, मगर वहाँ की दुनिया अलग है, वहाँ परम लाइट की दुनिया है, परम प्रकाश की दुनिया है, आत्मिक स्वरूप की दुनिया है, लोग आत्माओं को देखते हैं, आत्मा की रोशनी को देखते हैं, आत्मा में कितनी कला का पावर वो देखते हैं, आत्मा की पावर गिनी जाती है। यहाँ देह के आभूषण को सजाते हैं, देह को सजाते हैं, इसलिए पहले ही कहा यहाँ देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करिए। गीता में यहाँ से 5,000 साल पहले बोला गया है, ये बेजिक बेजिक नॉलेज है, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक ज्ञान बुद्धि में ज्ञान स्वरूप नहीं बनोगे, और ज्ञान स्वरूप बनना मना अपनी साकारी से आकारी स्टेज, आकारी से निराकारी स्टेज, तीनों स्टेजों में कर्मयोगी जीवन बिताना है। तो पुरुषार्थ थोड़ा तेज करो, 108 तो जहाँ से भी होंगे वो अंत में सबको साक्षात्कार हो जाएंगे, और आकारी 108 साकार में प्रवेश करेंगे। जो बेहद की आत्मा है, जो बहुत बेहद की कमाई करना चाहती है, तो अभी निराकारी स्टेज, आत्मा की निराकारी स्टेज, आत्मिक स्वरूप का प्यार, आत्मिक प्यार, ये सब बढ़ाना पड़ेगा। और अभी हद में जितना फंसते रहोगे, हद में भी बैलेंस रखो, लौकिक अलौकिक बैलेंस रखो। हमने ये नहीं कहा कि धंधे नौकरी धंधा छोड़ जाओ, कर्मयोगी बनो और केवल अपनी ड्यूटी समझो। अपनी ड्यूटी पहले ये समझो कि स्वयं को पहचानो मैं कौन हूँ। मैं बेहद का ज्ञान थोड़ा समझ में आ जाए तो 108 वाला हूँ, ये समझ के बेहद का पुरुषार्थ करो, बेहद का त्यागी, बेहद के वैरागी की लिस्ट में आओ, और इस समय को सफल करो। ये समय जा रहा है, बहुत फास्ट गति से जा रहा है, समय तो परिवर्तन होने वाला ही है, होने वाला ही है हमारा काम, मगर 108 मिल जाए तब, 108 मिल जाएंगे तब काम हमारा समाप्त हो जाएगा। अब 108 ढूंढ रहे हैं ऊपर वाले, इसलिए समय को सफल करो। बेहद की प्राप्ति के लिए बेहद का विराग होना चाहिए, और बेहद का विराग नहीं आएगा, हद की चीज़ों में फंसे रहोगे तो बेहद की प्राप्ति नहीं होगी। और अंत में आगे चलकर जब बेहद का पुरुषार्थ काम आने वाला है, तो आगे चलकर जब सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, 108 भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब सब कुछ परिवर्तन होना है, पूरी पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन होना है,
तो जो साथ आने वाला है, जो बेहद की अविनाशी कमाई है वो करो, बेहद की अविनाशी। बाकी तो दाल रोटी के लिए तो करना ही है, दाल रोटी तो कमाना ही है, मगर बैलेंस रख के करो। परम शांति।